हिमाचल प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों की सुरक्षा का जिम्मा अगले सप्ताह केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के जवान संभालेंगे। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अभी प्रदेश पुलिस के जवान जिला भर के अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए नाकों पर सुरक्षा ड्यूटी दे रहे हैं। चुनावों के दौरान सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बंदूकों तथा अन्य हथियारों को भी संबंधित पुलिस थानों में जमा करवाना होगा। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक कांगड़ा डॉक्टर रमेश छाजटा ने देते हुए बताया कि इसके लिए पुलिस ने हथियार लाइसेंस धारकों को 2 सप्ताह का समय दिया है। आचार संहिता के दौरान होने वाली रैलियों तथा प्रचार प्रसार के दौरान चुनावों को प्रभावित करने वाले लोगों तथा राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। इस दौरान चुनाव प्रभावित करने पर आरोपी व्यक्ति को पुलिस सीधे गिरफ्तार करेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद अब पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला के एंट्री प्वाइंट पर दिन रात नाकाबंदी कर दी है। अभी प्रदेश के पुलिस जवान ही नाकों पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं, लेकिन चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पुख्ता करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी अगले सप्ताह तक नाकों पर सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा डॉक्टर रमेश छाजटा ने बताया कि जिला में चुनाव सुरक्षा को लेकर 18 स्थानों पर नाकाबंदी की गई है। अगले 1 सप्ताह के भीतर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की भी ड्यूटी तैनात हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कल से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन हमने इससे भी 3 दिन पहले से हमारे जितने भी जिला कांगड़ा के पंजाब के साथ लगते इंटर स्टेट जितने भी हमारे रूट्स है उनकी नाकाबंदी हम पिछले 3 दिनों से हम लगातार कर रहे हैं। ये हमारे 18 नाका पॉइंट्स हैं जो कि पूरे चुनाव के दौरान जो है सील रहेंगे। हालांकि अभी ये नाकाबंदी जो है हमने अपने स्टेट पुलिस के रिसोर्सेज से की है, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज मिलेगी, तो ये काम जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज करेंगे। इसके अलावा 3 हमारी जो मोबाइल पेट्रोलिंग बीट्स रहेगी वो भी तीनों जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स उसको मैन करेगी। इसके अलावा मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वैसे तो हम पहले से ये वेपन डेपोजिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर चुके हैं और अब हमारे पास सिर्फ 14 दिनों का समय है, इसलिए मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों के माध्यम से कांगड़ा के सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि जिनके पास भी लाइसेंस शुदा वेपन है वो कृपा करके सिर्फ हमारे पास 2 हफ्ते का समय है, अपने सभी वेपन्स को जो है कॉरेस्पॉन्डिंग पुलिस स्टेशन या आम डीलर के पास पे अगर आप जमा करते हैं तो उसकी रिसीट जो है आप कॉरेस्पॉन्डिंग पुलिस स्टेशन में दे दें जहां पे आपका वेपन जो है रजिस्टर्ड है। और एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बारी जो वल्नरेबिलिटी का क्राइटेरिया है उसमें यह भी शामिल है कि यदि कुछ लोग जो है इस तरह का माहौल बनाते हैं जिससे चुनावी प्रक्रिया में जो है कोई खलल पड़ेगा तो ऐसे लोगों को भी बुक किया जाएगा। तो इसलिए मैं ये अपील करना चाहूंगा कि ठीक है लोग चुनाव में काम करें, लेकिन कोई इस तरह का कृत्य करने की कोशिश ना करें कि जिससे हमें उनको जो है कानून के दायरे में लाके बंद करना पड़े। जिला कांगड़ा में टोटल 1553 पोलिंग बूथ्स है, जिसमें से हमारे 1100 जो है नॉर्मल पोलिंग बूथ्स है, 162 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है जो कि पैरामिलिट्री के हाफ सेक्शन द्वारा मैन किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो है 291 वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन है।